please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान के जोधपुर में देवरिया गांव के पास वायुसेना का मिग 27 विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि ये विमान जोधपुर एफओ स्टेशन पर राहत के लिए रवाना हुआ था। मिग 27 हादसे का शिकार हुआ, हालांकि दोनों पायलट इसमें सुरक्षित हैं। उड़ान भरने के ठीक 12 मिनट बाद ही पायलट ने सूचित किया कंट्रोल रूम में कि इंजन में आग की खबर आ रही है, जिसके बाद पायलट ने विमान को खेतों की तरफ टर्न किया और वहां पर यह हादसे का शिकार हो गया। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, जानना चाहेंगे अभी दोनों पायलट की हालत कैसी है और क्या इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं? देखिए, दोनों पायलट बिल्कुल सेफ है, वहाँ से उनको बिल्कुल एयरपोर्ट स्टेशन पहुँचा दिया गया, अभी बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो ऑर्डर कर दी गई है और वायुसेना की एक टीम है अभी इस वक्त मौके पर है, वो जांच कर रही है पूरे जो आसपास का इलाका है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, वहाँ पर उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहाँ पर आर्मी के जवान भी है, पुलिस भी है और इस वक्त जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही। जो प्राइमरी जांच में सामने आया वो टेक्निकल फॉल्ट माना जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ। उसमें दोनों पायलट अभी तक सेफ है और किसी तरीके की और कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि आसपास का जो फील्ड था वो भी खाली था, गांव के बिल्कुल पास नहीं हुआ। जी भवानी, इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है, आप सही कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी और यही जानकारी टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने कंट्रोल रूम में भी दी थी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि चाहे वो मिग 27 हो, मिग 21 हो, जो कि हाल ही में कांगड़ा में भी हादसे का शिकार हुआ था, तो इसको लेकर क्या एयरफोर्स की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि क्यों हादसे का शिकार होते जा रहे हैं मिग? देखिए, एयरफोर्स की ओर से अभी केवल 3 लाइन का जो उनकी ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें उन्होंने जो एयरफोर्स से बात की, उन्होंने बताया अभी जब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएगा कि आखिर हुआ ऐसे क्यों था। लेकिन जो जिस तरीके से मिग के हादसे, ये पहला मसला नहीं है, मिग के हादसे लगातार पिछले 3-4 साल में और इस एरिया के अंदर जहाँ पर जो जोधपुर और जैसलमेर का एरिया जो जहाँ पर ट्रेनिंग उड़ाने यहाँ पर अक्सर रहती है और कई हादसे हो चुके हैं पहले ही मिग को लेकर, तो ये एक बड़ी जांच का विषय है कि आखिर मिग इतने ज्यादा क्रैश क्यों हो रहे हैं। और मिग 21 और मिग 27 के साथ में ज्यादा हुई है, ज्यादा से जितने भी जो क्रैश हुए हैं। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए भवानी, हम लौटेंगे आपके पास। लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तो डीजल के दाम में 18 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 89.31 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 71.34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो मुंबई में दाम है 86.72 रुपए और डीजल 75.74 रुपए। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 82.22 रुपए और डीजल 74.19 रुपए में बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और मुंबई में ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस वक्त आज जो पेट्रोल का दाम है, इस वक्त जो दाम देखिए 86.77 रुपए, कल ये दाम 86.62 रुपए के आसपास था। और साथ ही डीजल का जो दाम है यहाँ पे 75.79 रुपए, कल जो डीजल का दाम था 75.54 रुपए के आसपास था। तो जो ये बढ़ोतरी दर्ज लगातार की जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका जो बदलाव उसके दामों में लगातार हो रहा है, उसका असर पेट्रोल की कीमतों में भारत में पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए पहुँचे, उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी मार्केट में भाव आ रहा है वो तो उसके लिए सरकार कह रही थी कि जो है पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे चाहे मार्केट बढ़े बढ़े। कम होएगा ही नहीं, भाव कम होएगा ही नहीं, मतलब सरकार झूठ बोल रही है। कितना असर पड़ रहा है जेब पे, क्योंकि आप पेट्रोल भरवाने आए हैं? पैसा तो क्या देना ही पड़ता है, मगर कितना जेब पे असर पड़ रहा है? ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। और हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, कितना पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 4 से 5 रुपए का दाम बढ़ गया है, तो कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की जेब पर? असर तो बहुत पड़ रहा है, अभी इतना असर पड़ा है कि पेट्रोल लेने का तकलीफ होने लगा। अभी इतना इनकम तो है नहीं किसी को, तो सरकार ने सोचना चाहिए कि इसका दाम थोड़ा कम करे। लेकिन लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सरकार को ही मानेंगे ना, और किसको मानेंगे? पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, पेट्रोल रेट डेली इंक्रीज हो रहे हैं, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये सरकार कब देखेगी,
डीजल पेट्रोल डेली रेट बढ़ रहे हैं। भैया सरकार कुछ नहीं कर रही है और डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है और आम आदमी कर भी जा सकता है देने के अलावा। 14 के बाद से प्राइस जो है बहुत स्टेबल रहा है, इधर लास्ट ईयर में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब 60 रुपये पेट्रोल था उस समय यही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी साइकिल पर यात्रा कर रहे थे, परंतु आज ना तो कोई केंद्र में सुनने वाला है और ना ही प्रदेश में सुनने वाला है। तो रोजी बढ़ रहा है वो तो हर दो चार रुपये बढ़ा देते हैं, एक आध पैसा कम कर देते हैं, दो चार रुपये बढ़ा देते हैं, एक आध पैसा कम कर देते हैं, यही चल रहा है बस। भैया डीजल और पेट्रोल के दाम ये आए दिन बढ़ते हैं, कभी 4 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये गिराते हैं, फिर 6 बढ़ाते हैं, फिर 3 रुपये गिराते हैं, ऐसे बढ़ा बढ़ा के। इसमें कुछ नहीं है, सरकार का अच्छा फायदा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक इसमें मरती जूझती रहती है। 10 साल का UPA कार्यकाल था, उसके अंदर हमको लास्ट में उन्होंने 79 रुपीज़ लीटर पेट्रोल छोड़ा था। अगर देखा जाए तो 4 साल के मोदी कार्यकाल के अंदर केवल 5 रुपये 6 रुपये ही पेट्रोल के ऊपर बढ़ा है। क्या दिन में दिन बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल वाला आदमी ने गाड़ी चलाने का नहीं, क्या करने का, इतना बढ़ेगा तो कैसा होएगा फिर? और पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो सब जगह का भाव बढ़ता, भाजी दूध सब कंटिन्यू बढ़ता रह रहे हैं। ये लोगों को तो कुछ कंट्रोल नहीं, ये लोगों का चालू है अपना, कम होने का कुछ नाम नहीं ले रहे, फिर प्राइस बढ़ रहा है, फिर महंगाई बढ़ रही है सब लोग। अभी पब्लिक तो उनको आदत लग गई है कि कभी कम करते फिर बढ़ाते, सब दिखावा चल रहा है। दाम बढ़ने की कई कारण है, विदेश की विदेश में जो स्थिति है, सप्लाई घट रही है, सप्लाई बढ़ी नहीं, कई देश है वेनेजुएला ईरान, उनके सप्लाई को लेके कुछ दिक्कतें हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए जो है उसके सामने थोड़ा गिर चुका है, इन सबसे ये फर्क पड़ता है। साथ साथ ये भी मन में रखने की आवश्यकता है कि राज्यों में भी जब पैसे बढ़ते तो उनका VAT लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, और वो हर बार उस पर और टैक्स उनकी वृद्धि होती है। केंद्र में जो एक्साइज आता है उससे एक प्रकार से विकास तो हो ही रहा है, वही तो धनराशि आती जो भारत के काम में लगते हैं, नागरिकों की सेवा में, लेकिन उसका भी 42% राज्यों को वापस जाता है 13th फाइनेंस कमीशन के आधार पे। तो इसीलिए ये शायद एक अच्छा समय है। पेट्रोल कई बार सस्ता भी हुआ है और कई बार महंगा भी हुआ है। पेट्रोल की प्राइस को, डीजल की प्राइस को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसमें सरकार ने जो पॉलिसी पहले से भी बनी है, हमने भी बनाई है, उसको मार्केट से जोड़ा है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल की दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आप जो पेट्रोल खरीदते हैं वो किस तरीके से बाजार से होते हुए आप को मिलता है, जरा वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के रेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो डीजल तो जो डीलर है वो पेट्रोल 39.36 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहा है। पेट्रोल पर डीलर का 3.61 रुपए का कमीशन होता है प्रति लीटर के हिसाब से, जबकि सरकार की ओर से पेट्रोल पर 19.48 रुपए एक्साइज ड्यूटी लग रही है। दिल्ली में पेट्रोल पर 16.86 रुपए का VAT लग रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 36.34 रुपए का टैक्स लग रहा है। यानी ग्राहक अभी जो दिल्ली में रेट जिस रेट के हिसाब से खरीद रहा है वो है 89.31 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर पेट्रोल ग्राहक को मिल रहा है। और इसी तरीके से डीजल की भी बात करते हैं कि आप किस तरीके से डीजल को खरीदते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह का टैक्स लगता है। दिल्ली के रेट के हिसाब से डीलर डीजल 43.01 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहा है। डीजल पर डीलर का 2.51 रुपए प्रति लीटर का कमीशन होता है, सरकार की ओर से इस पर 15.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है, और दिल्ली में डीजल पर 10.49 रुपए VAT लगता है। 1 लीटर डीजल पर कुल 25.82 रुपए टैक्स लग रहा है, तो ग्राहकों को अभी दिल्ली के रेट के हिसाब से 71.34 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। और ये भी आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल की से सरकार की कमाई के आंकड़ों में किस तरीके से इजाफा हुआ है, क्या कुछ रहा है। साल 2014-15 की बात की जाए तो सरकार को पेट्रोल से 1,72,000 करोड़ की कमाई हुई है। साल 2015-16 की बात की जाए तो ये बढ़कर 2,53,000 करोड़ रुपए हो गए। 16-17 की बात करें तो ये 3,34,000 करोड़ हो गए। इसी तरीके से दिल्ली में डीजल के दाम की अगर बात की जाए तो पिछले 9 महीनों में ये 12 रुपए तक महंगा हुआ है। जनवरी में 1 लीटर डीजल की कीमत 59.70 रुपए थी,
जो कि फरवरी में बढ़कर 62.15 रुपए हो गई। इसके बाद मार्च में डीजल के भाव 64.40 रुपए और अप्रैल में 65.93 रुपए तक पहुंचे। मई में 69.25 रुपए, जून में 67.38 रुपए, जुलाई में 67.82 रुपए और अगस्त में 71.21 रुपए, जबकि सितंबर में भाव 71.34 रुपए तक पहुंच गए हैं। तो दिल्ली में अगर पेट्रोल के दाम की बात करें तो ये पिछले 9 महीने में 9 रुपए तक महंगा हुआ है। जनवरी में पेट्रोल के दाम थे 69.99 रुपए, जबकि फरवरी में दाम बढ़कर 71.51 रुपए हो गए। मार्च में भाव 73.55 रुपए, अप्रैल में 74.63 रुपए और मार्च में 78.35 रुपए, जून में 75.55 रुपए और जुलाई में 76.51 रुपए में डीजल बिका। अगस्त में 78.52 रुपए और सितंबर में 89.31 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर डीजल बिक रहा है, पेट्रोल माफ कीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पंजाब में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया है। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक भैंस के आगे बीन बजाकर तेल के बढ़े दाम का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार आम जनता की आवाज नहीं सुन रही है और सरकार को नींद से जगाने के लिए उन्हें भैंस के आगे बीन बजानी पड़ रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसे जन विरोधी बताया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 डीजल पकार है, 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 मुर्दाबाद। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रिकॉर्ड गिरावट के बाद भी रुपया लगातार कमजोर बना हुआ है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 71 रुपए के पार बनी हुई है। सुबह 71.28 रुपए पर खुलने के बाद रुपए की कीमत 71.37 रुपए गिर गई। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया आए दिन गिरता जा रहा है और अब गिरकर 71.12 रुपए तक पहुंच गया। कितना और गिरेगा अभी ये देखना बाकी है। 40 रुपया एक डॉलर के बराबर होगा ये कहकर मोदी जी सत्ता में आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह का उपहास उड़ाया करते थे। ये थूथी दलील है। अगर इस दलील में दम है आप उस वक्त फरेब कर रहे थे, यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान फरेब कर रहे थे, आप मुल्क की आंख में झांसा झोंक रहे थे। आप बेईमान लोग हैं, आपको पता नहीं कि तथ्य परक बातें कैसे की जाएं। आपने तब कहा कि रुपए की साख गिरती है तो देश की साख गिरती है। आज देश की साख कहां चली गई साहब? भाजपा के उन नेताओं के लोकसभा राज्यसभा में भी भाषण, जब वो कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत और मर्यादा गिरती है, आज जब रुपया गिर रहा है तो मोदी जी के शासनकाल में क्या देश की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है? आप कब तक पिछला रोना रोगे? 4.5 साल हो गया। देश को जिस अंधी गली में अर्थव्यवस्था को ढकेल दिया उसका परिणाम है। अभी कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बाजार में स्लो डाउन हुआ है और डॉलर चढ़ गया है। आपकी नीतियों से भारत के अंदर 7.5% कह रहे हो कि हमारी विकास दर है और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 71 पार कर गया, इसका जस्टिफिकेशन इसको कैसे आप सिद्ध करोगे? कौन सा अर्थशास्त्री है आपके पास? रुपये का बढ़ना और घटना ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय हो जाता है। अब इधर चाइना इत्यादि से जो बातें आई हैं जिसके नाते बाजारों में थोड़ा ही उथल पुथल हुई है, उस उथल पुथल के नाते हो गया है, जल्दी ही उसको हम कवर कर लेंगे। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हमेशा कभी कम होता है कभी अधिक होता है, ये स्थिति लगी रहती है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। अगर हम पिछले 9 महीने की बात करें तो इस साल की शुरुआत में जनवरी में एक डॉलर की कीमत 63.58 रुपए थी, जो कि फरवरी बढ़कर 65.21 रुपए पर पहुंच गई। मार्च में एक डॉलर की कीमत 65.13 रुपए, अप्रैल में 66.51 रुपए, मई में 67.41 रुपए, जून में 68.51 रुपए, जुलाई में
$68.35 और अगस्त में $71, जबकि सितंबर में $1 की कीमत $71.37 पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट जारी है। रुपए की कीमत गिरने के पीछे ग्लोबल बाजार में ट्रेड वॉर का डर सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं तेल के बढ़े दाम भी रुपए में गिरावट की वजह बने हुए हैं। इसके अलावा डॉलर की मजबूती की वजह से भी रुपए के दाम गिरे हैं। ज्यादातर एशियाई करेंसी में दबाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की वजह से भी रुपए में गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि रुपए में कमजोरी से क्या नुकसान होगा और इससे फायदा क्या होगा। अगर नुकसान की बात करें सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और यातायात भी महंगा होगा, उस पर असर इसका सीधा पड़ेगा। इसके अलावा खाने पीने की चीजें, विदेशों में घूमना, विदेशों में बच्चों को पढ़ाना, ये सब महंगा हो जाएगा। और इसी से फायदे की बात करें तो IT कंपनियों की कमाई में इजाफा होगा और निर्यातकों का मुनाफा बढ़ेगा। राजस्थान के करौली में दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये खूनी झड़प नालियों की सफाई को लेकर हुई, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बताया जा रहा है कि ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करौली नगर परिषद का एक कर्मचारी सुरौठ कस्बे में नालियों की सफाई करा रहा था। आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर लोगों ने उस पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिसके बाद नगर परिषद कर्मचारी महेंद्र के बचाव में सामने आए लोगों ने भी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया, गली में गिर गया। इसके बाद भी लोगों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इस बीच कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। इस झड़प में दोनों ओर से महिलाएं भी लाठियों से एक दूसरे पर हमला करती दिखाई दी। सरेआम हुई इस खूनी झड़प में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक आदमी को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के जामिया नगर में बाटला हाउस इलाके के एक अस्पताल में एक महिला दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि वहां BSP के एक जिला पंचायत सदस्य दिलशाद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी का फोन आने के बाद दिलशाद खान घर से बाहर गए। थोड़ी देर बाद घर के पास ही बाइक पर आए दो बदमाश उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में दिलशाद खान को होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक UP के मेरठ से जिला पंचायत सदस्य दिलशाद खान 10 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूटकर बाहर आए थे। परिवार के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया और पुलिस को इसकी जानकारी देने का भी दावा किया। PSP नेता दिलशाद खान की हत्या का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिलशाद खान बदमाशों से बचकर भागने की कोशिश करते दिखे। वीडियो में दिलशाद खान को हेलमेट पहने दो बदमाश घेरे दिखाई दिए, जिनसे दिलशाद खान ने मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी एक बदमाश ने गली के किनारे ले जाकर उन पर गोली चला दी। घायल होने के बावजूद उन्होंने बदमाशों के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा करते हुए उन पर फिर से फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। फिलहाल CCTV की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला किया गया, भागने की कोशिश की, लेकिन गली के किनारे ले जाकर एक पहली गोली चलाई और फिर उसके बाद जब वहां से वो भाग रहे थे, वापस से उनको घेर कर दूसरी गोली चलाई गई। CCTV की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। हालांकि दोनों ने हेलमेट पहन रखी है, तो इससे पहचान करना भी काफी मुश्किल होगा।